और ये योगाग्नि किसी अपस्मार के बुझाए नहीं बुझने वाले। अपस्मार को पराजित करना संभव नहीं है महादेव। अपस्मार का प्रभाव सदैव ही व्याप्त रहेगा। सत्य कहा तुमने अपस्मार। धर्म की छाया में अधर्म, सत्य की छाया में असत्य और स्मृति की छाया में विस्मृति का पालन सदैव होता रहेगा। किंतु सच्चे योग द्वारा तुम्हारे दमन करने का विकल्प इस संसार के समक्ष सदैव रहेगा। सृष्टि के अस्तित्व मूल में नादव्रम है और यह नादव्रम चराचर जगत को संचालित करता है और यह निरंतर तुम्हारा दमन करता रहेगा, तुम्हें एक सीमा में बांधे रखने हेतु विवश करेगा।
स्मृति के दैत्य, तुम्हें इसका स्मरण रहा कि तुम नट हो, किंतु तुम ये भूल गए कि मैं स्वयं नटराज हूं। तुम्हारे दमन का नर्तन आरंभ होने जा रहा है अपस्मार। आदिशक्ति की विस्मृति से प्रबल होकर संसार को अपने अंधकाराधीन करने का तुम्हारा स्वप्न नष्ट होने जा रहा है। जानते हैं क्या संबंध है ये तो हम नहीं जानते, किंतु कुछ तो है। क्या तुम्हें भी इसका बोध है? नहीं। तो आपको ऐसी अनुभूति हुई है तो ये सत्य ही होगा। अर्थ यह है कि पिताजी ने अपस्मार का दमन कर दिया है और वो शीघ्र ही लौटते होंगे और माँ भी अगले चरण में प्रवेश कर सकेंगी।
अपस्मार का दमन कर आपने ना केवल देवी पार्वती को अपितु समस्त संसार को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। देवी पार्वती की विस्मृति ने इसे शक्तिशाली ही नहीं निर्भीक भी बना दिया था। और प्रभु, अपस्मार के कारण समस्त संसार को आपके नटराज रूप के दर्शन भी हो गए। अब चीर काल तक मेरा ये नटराज स्वरूप अपस्मार का दमन करता रहेगा। किंतु संसार को यह स्मरण है कि अपस्मार का अंत नहीं, क्योंकि अपस्मार का अंत तो संभव ही नहीं। संसार को निरंतर अपस्मार के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक रहना होगा। निरंतर योग द्वारा अपने मन को एकाग्र रखना होगा। ज्ञान और विद्या का दिया सदैव जलाए रखना होगा। तभी अज्ञानता और अविद्या का अंधकार भ्रमित नहीं कर सकेगा। महादेव, एक बात है जो हमने आपको नहीं बताई, किंतु अब समय आ गया है। चल अंदर। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जलंधर का जन्म, उसका नामकरण, इंद्र द्वारा मत्स्य कन्या की हत्या, जलंधर का समुद्र देव के स्थान पर शुक्राचार्य का संरक्षण स्वीकार करना, जलंधर की जल समाधि, उसे यह पता चलना कि उसकी मां का हत्यारा कौन है, उसका इंद्र से ऐरावत छीन लेना, उसका असुरों का राजा बन जाना, मैं सब जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं देवर्षि नारद, कि उसे इसका बोध नहीं कि वो मेरा अंश है। धन्य है प्रभु आप, केवल आप ही हैं जो पारिवारिक उलझनें होते हुए भी समस्त संसार का दुख दूर करने के लिए नटराज रूप धारण कर नृत्य कर सकते हैं। महादेव, यदि आप जलंधर के बारे में जानते थे तो मैंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि जलंधर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरी दृष्टि में अधर्म हो। उसे प्रतिशोध लेकर वो उसके सभी दुष्कर्मों का दंड उसे देगा। ये क्या? महादेव जलंधर को समर्थन कर रहे हैं और मेरे अनेक पुण्य, मेरे अच्छे कर्मों का क्या? कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते। अरे ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? अपने अंश का समर्थन करना, भले ही वो असुरों का राजा ही क्यों ना हो, भले ही उन्होंने सारे देवताओं की हत्या करने की योजना क्यों ना बना ली हो। इस संसार में न्याय नहीं है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय। परंतु प्रभु, जलंधर देवताओं से युद्ध करने की योजना बना चुका है, समस्त असुरों की सेना संगठित कर चुका है,
क्या अब आपका हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं? देवर्षि, जैसा कि नारायण ने कहा कि उचित समय आने पर मैं हस्तक्षेप अवश्य करूंगा। किंतु जलंधर मेरा ही अंश है, इसलिए मैं अकेले उसका अंत नहीं कर सकता। तो फिर इसका विकल्प क्या है महादेव? आदिशक्ति। इसलिए मैं पार्वती को उसकी स्मृतिहीनता से मुक्त करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अष्टांग योग का दूसरा चरण संपूर्ण हो चुका है। अब 6 चरण शेष है। उनके पूर्ण होने तक हमें धैर्य रखना होगा।